हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई टी एजुकेशन। तो आप सभी के लिए उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकल कर आ रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोगों को सारा डिटेल बताऊंगा कौन कौन से स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, फॉर्म कैसे भरना है, फीस क्या लग रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो गाइज़ ये PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा, नीचे में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर लगभग 9000 कैंडिडेट जुड़ने वाले हैं, आप सभी जुड़ जाइए। वहाँ पर सभी अपडेट मैं आप लोग को टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता हूँ। तो डेट देख सकते हैं 8/4 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं, आप लोग का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो ये स्टार्टिंग में आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब रहने वाला है। तो देखिए, टेक्नीशियन का पोस्ट टोटल 32 है, एक और अदर क्वालिफिकेशन के निकला है, वो जूनियर असिस्टेंट, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर ओनली टेक्नीशियन की बात करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में आप लोग का 6 साल तक ये इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगा, देन ये आप लोग का कंसीडर अपॉइंटमेंट कर देगा टेक्नीशियन के पोस्ट पे। स्केल रहेगा आप लोग का 5200 से 20000 इन द लेवल फाइव का सैलरी आप लोग को मिलेगा। तो देखिए, 6 साल तक ये आप लोग का जो बोल सकते हैं जो भी स्टाइपेंड वगैरह या जो सैलरी रहेगा आप लोग का, देख लीजिए। फर्स्ट साल आप लोग का 13500, सेकेंड साल 14200, तीसरे साल 14900, चौथे साल 15600, पांचवें साल 16400 और छठे साल 17200। देन आप लोग का यहाँ पे जो सैलरी मिलेगा, ये आप लोग का लेवल 5 का मिलेगा सैलरी। तो ये आप लोग या सैलरी के बारे में, क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। तो आप लोग को 10th पास रहना चाहिए और NCVT से आप लोग को ITA पास रहना चाहिए। कौन सा ट्रेड में? इलेक्ट्रीशियन में या मैकेनिक में या ITESM ट्रेड में। और मिनिमम आप लोग का 50% मार्क्स रहना चाहिए। SC ST PWD वालों के लिए 45% मार्क्स रहना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया है कि आप लोग का जो मिडिल स्कूल पास रहना चाहिए या हाई स्कूल, वो आप लोग का उड़िया जो सब्जेक्ट है वो आप लोग का रहना चाहिए। और जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे वो उड़िया बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ये चीज़ रहना चाहिए। तो यहाँ पे से आप लोग समझ सकते हैं, जो उड़ीसा के स्टेट के जो स्टूडेंट वही फॉर्म भर सकते हैं, जो अदर जो इनका हाई स्कूल में जो मार्क मतलब उड़िया सब्जेक्ट अगर आता है तभी फॉर्म के लिए एलिजिबल होगा, नहीं तो ऐसा है आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ये होगी आप लोग का क्वालिफिकेशन की। तो एज की बात कर लेता हूँ, तो मिनिमम 18 चाहिए और मैक्सिमम आप लोग का 38 चाहिए। और एज रिलैक्सेशन आप लोग को जो एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उसके अनुसार आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। तो आप लोग का CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड, 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद इसमें टेक्निकल से 60% पूछेगा, नॉन टेक्निकल से 40% रहेगा। देन आप लोग का क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा यहाँ पे आप लोग का। उसके बाद मैं यहाँ पे फीस बता देता हूँ, तो जनरल और SEBC वालों के लिए 500 और SC ST PWD वालों के लिए 200 रुपये फीस लग रहा है। तो देखिए, जो कैंडिडेट एलिजिबल है, जो उड़ीसा के स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, जो उड़ीसा राज्य से, वो फॉर्म जरूर भरिएगा। बाद बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे नहीं भर पाएंगे, चूँकि उड़िया सब्जेक्ट मांगा गया है और बोलना पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो उड़ीसा से है वो जरूर फॉर्म को भरिएगा, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है आप लोग का। ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से निकल कर आ रहा है, उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से। धन्यवाद।